हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्वरीज किचन। आज हम लोग बैंगन और आलू की भरवा सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी जो घर की है, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच से ज़्यादा मैंने धनिया जीरा का पाउडर लिया है और 3 चम्मच मैंने चने का आटा लिया है जिसे मैंने ऐसे ही भून लिया है। ये सब मैं मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसके लिए हरा लहसुन लिया है मैंने, हरे प्याज की पत्ती और हरा प्याज है, और नॉर्मल प्याज लिया है 1 और 1 टमाटर लिया है। सबसे पहले मैं इस सब में ये लहसुन और ये प्याज मिला लूंगी। एक पूरा चम्मच भर के मैंने नींबू का रस लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और मैंने 2 से 3 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट ले ली है, इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अभी यही स्टफिंग मैंने बैंगन को ऐसे और ऐसे काटा है, उसी तरह मैंने आलू को भी काटा है और ये जो स्टफिंग है मैं इसमें भर देती हूँ। आलू को मैंने ऐसे और ऐसे काटा है। इसी तरह मैं सारे बैंगन और आलू भर लेती हूँ। मैंने 5 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रखा है। सबसे पहले मैं सरसों और जीरा डालूंगी, 3 चीनी डालूंगी और ये जो प्याज काटा हुआ है वो डाल दूंगी। और ये मैंने जो भर के रखे है आलू और बैंगन उसे डाल दूंगी। और ये ऊपर टमाटर डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। और ढककर पकने दूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, करीबन 4-5 चम्मच। इसे आप कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे बनाओगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। ये बचा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है और मैं गैस बंद कर रही हूँ और
एक बॉल हरा धनिया डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हो आलू और बैंगन की सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। इसे हम ज्वार बाजरी के रोटी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।